सभी को आदाब। अभी मैं चिमकोड़ गांव में हूं। यहां पे कल बिजली से एक लेडीज का देहांत हो गया था। वो खेत से गांव में आ रही थी। उनका नाम विद्यावती बोल के थे। उनके हस्बैंड यहां पे है, उनके नरसप्पा और उनके बेटे हैं। तो आज हम उनके घर पे विज़िट किया हूँ मैं। जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन भी आया था मैं यहाँ पे। आज यहाँ पे तहसीलदार है, साथ विलेज अकाउंटेंट है और हमारे इस गांव के अध्यक्ष और एपीएमसी के नागशेट्टी सर है और हमारे एपीएक्स एपीएमसी अध्यक्ष सूर्यकांत सर है और उपाध्यक्ष राजू पटेल है और संजू है। इस तरह से सभी गांव के ग्राम पंचायत मेंबर और यहां के मुखंड लोग सभी लोग आज आए। और जिस दिन देहांत होता तो उस दिन भी सभी लोग यहां पे थे। तो इमीडिएट मैं कल डीसी सर को, हमारे तहसीलदार को बात करके जो प्रोसीजर पंचनामा जल्द से जल्द करा के 5 लाख रुपए विद 24 आवर्स के अंदर हम ला के इनके घर पे आज चक दिए हैं। ये पैसा इनके बच्चों को और इनके एजुकेशन के लिए और जो भी इनकी परेशानी है उसके लिए थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि विथ इन 24 आवर्स के अंदर ये 5 लाख का चेक मिला है। नहीं तो पहले 4 महीने 6 महीने ऐसा थोड़ा डिले होता था। इसमें तहसीलदार, विलेज अकाउंटेंट, डीसी सभी लोग फास्ट काम करके आज थोड़ी सी सहायता इनको दिए है। इसलिए मैं सभी ऑफिसर्स को भी और यहाँ के गांव के सभी लोग भी सपोर्ट किए हैं। जब देहांत हो गया था तो सभी लोग यहाँ पे आए थे, थोड़ा सा हिम्मत दिए हैं। तो वो जो लेडीज़ थे वो इस घर के बहुत मुखंड थे, वही घर संभालते थे। तो इनको घर वालों को बहुत ही दुख है। तो इसलिए इस दुख में शामिल हुआ हूँ मैं। और एक सेम डे यहाँ पे बिजली गिरी थी और बाजूक खाजापुर में एक खेत में किसान को सांप काट के उसका भी डेथ हुआ था। तो मैं कल वहाँ पे भी विज़िट किया था। तो उसको भी पैसे दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज ये 5 लाख रुपए दिए हैं मैं, इसलिए सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। हलक हो लतर अस्त है, हलक होगी बर लतर ताई मगा इबर दो अके सल्फ हिंद मग मुंद मग उड़ोदन ತಾಯಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ರೀ ನಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ದೇವ್ರ ನೀಲ ಆಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಾಬ್ರ ಬಾಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಲ್ಸೂರು ರೋಡ್ ಬಸವಕಲ್ಲು